साल 2002 के नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी रही माया कोडनानी को बरी कर दिया है। वहीं बाबू बजरंगी को निचली अदालत से मिली ताउम्र कैद की सजा को 21 साल में बदल दिया। इनके अलावा हरीश छारा, सुरेश लंगड़ा को भी कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने माया कोडनानी के मामले में 11 चश्मदीदों के बयानों को दरकिनार कर पुलिस वालों के बयान को तवज्जो दी, जिसमें कोडनानी के मौके पर होने के कोई सबूत नहीं होने की बात कही गई थी। यही नहीं, इस मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बयान सबसे अहम था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि घटना के दिन माया कोडनानी गुजरात विधानसभा में मौजूद थी। आइए अब आपको बताते हैं कि 16 साल पहले 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद के नरोदा पाटिया इलाके में क्या हुआ था। दरअसल 26 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस की बोगी में आग लगा दी गई थी। इस बोगी में अयोध्या से लौट रहे 57 कार सेवक सवार थे। इस घटना के बाद पूरे गुजरात में माहौल खराब हो गया और फिर अगले दिन दंगाइयों ने नरोदा पाटिया इलाके पर धावा बोल दिया। यहाँ सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था, जिसमें 97 लोगों की हत्या कर दी गई थी। माया कोडनानी पर आरोप लगा था कि वो उस वक्त नरोदा पाटिया में ही मौजूद थी। उन्होंने दंगाइयों में भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद भीड़ उग्र हो गई और इस नरसंहार को अंजाम दिया गया। यहाँ ये बात जानना जरूरी होगा कि माया कोडनानी को SIT की अदालत ने इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट में अमित शाह का बयान उनके लिए जीवन दान बन गया और उन्हें इस केस से बरी कर दिया गया। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।